पवित्र धनुर्मासनी पूर्णिमाए साळंगपुर मंदिर में विशेष उजवणी करवामां आवी रही छे। पूनम निमित्ते श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी ने भव्य सुवर्ण आभूषणों शृंगार करवामां आव्यो। दादानी मूर्ति समक्ष 21 किलोनो सुवर्ण अने हीरा जड़ित आभूषणों अलंकार करवामां आव्यो। आ शृंगार में 100 थी वधु हार अने चेन, 300 कडला हीरा जड़ित 8 मुगट अने 11 जोड़ी चांदीना कुंडल, 500 वीटी, एक संपूर्ण सोनानो वाघा, एक चांदीनो वाघो अने 5 सुवर्ण जड़ित रुद्राक्षनी माळा अने 2 चांदी जड़ित आंकड़ानी माळानो समावेश थाय छे। आ तमाम आभूषणों गर्भगृहमां दादा समक्ष मूकवामां आव्या। आ शणगारना दर्शनो लहावो लेवा मोटी संख्यामां भाविको साळंगपुर पहोंची रह्या छे। कोरोना महामारीने कारणे लोको ઓનલાઈન दर्शन पण करी रह्या छे। पूज्य कोठारी श्री विवेक सागर दास जी स्वामी की प्रेरणा थी आज आ 21 किलो सुवर्णना शृंगार थी दादा अलौकिक अने खूबज सारा एवं बधाज हजारों भक्तों जे पोतानो भाव अने एमनो जे खूब आनंद जे दादाना दर्शन करीने जे आनंद पाम्या छे एवो ने एवो आनंद खूब रहे अने भक्तोनो भाव पूर्ण करवा माटे आज रोज आ सुवर्णना शृंगार करवामां आव्या छे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिरनो सदियों जूनो इतिहास सामे आव्यो। पुरातत्व विभागे करेला संशोधनमां सोमनाथ परिसरमां एल आकारनी 3 माळनी इमारत होवानुं बहार आव्युं छे। सोमनाथनो भव्य इतिहास धरतीमां धरबायेलो सदियों पुराणो गौरवंतो इतिहास सोमनाथनी भव्यताना मळ्या पुरावा। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिरनो सदियों जूनो इतिहास फरी जीवन थई शके छे। पुरात्व विभागे सोमनाथ परिसरमां करेला संशोधनमां एल आकारनी 3 माळनी इमारत होवानुं बहार आव्युं छे। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगरना तज्ञोए आर्क्योलॉजीमां वपराता खूब ज कीमती अने लेंधी मशीनो साथे प्रभास पाटण आवी सोमनाथ तीर्थमां सर्वे कर्यो। आ स्थळोए 2 मीटरथी 12 मीटर सुधी ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार इन्वेस्टिगेशन करी जेमां जमीननी अंदरना वाइब्रेशन परथी भूतकाळमां रहेला આકારનો ગ્રાફ તૈયાર કરાયો જે ટ્રસ્ટને સુપરત કરાયો છે। અંદર નીચે 3 માળ છે પણ એ તો મશીનની મર્યાદા છે 10 મીટર સુધી અંદર એથી નીચે પણ હોઈ શકે આજુબાજુય હોઈ શકે એટલે એ જો સ્ટ્રક્ચર મોટું છે ઘણું મોટું સ્ટ્રક્ચર છે અમે જોયું અને એની અંદર ઉતરવાની સીડી પણ એમાં દર્શાવી છે કે ઉતરી શકાય એમ સ્થિતિ છે। गांधीनगर गठित आर्कियोलॉजीना निशांतोनी टीम सोमनाथ आवी। सोमनाथ मंदिर अने प्रभास पाटणमां 4 विविध स्थळे आ टीमे जीपीआर इन्वेस्टिगेशन कर्युं हतुं जेमां गोलोकधाम, सोमनाथ मंदिरना दिग्विजय द्वार, सरदार वल्लभभाई पटेलना स्टेच्यू आसपासना स्थळे तेमज पौराणिक बुद्ध गुफानो समावेश थाय छे जेनो 32 पानानो रिपोर्ट नक्शा साथे सोमनाथ ट्रस्टने सोंपवामां आव्यो छे। सोमनाथ मंदिरना मुख्य द्वार दिग्विजय द्वार अने सरदार पटेलना स्टेच्यूनी नीचे एल आकारनो 3 माळनो बांधकाम होवानो आर्कियोलॉजी विभागे रिपोर्ट तैयार कर्यो छे। आ साथे सर्वे अनुसार सोमनाथमां आवेली बौद्ध गुफाओ नजीक पौराणिक रस्ताओ पण मळी आव्या छे तेमज हिरण नदीना किनारे गोलोकधाम तीर्थमां पण भूगर्भ बांधकामना पुरावा मळ्यानुं आईआईटीना आर्कियोलॉजी विभागे जणाव्युं छे जेना परथी सोमनाथ मंदिरना भव्य कीमती खजानाओ अने वैभव संपत्ति पण आ भूमिमां संग्रहायेल होवानी संभावना मजबूत बनी छे। खनन करવામાં આવે તો એ સમયની પ્રભાસની સંસ્કૃતિ, પ્રભાસના લોકો કેવા હતા, પ્રભાસને શું શું કરતા હતા ને આપણે એક કેવો અમૂલ્ય વર્ષો ધરાવતા હતા તે વિશ્વગુરુ બનવાની તાકાત આપણામાં આ જો સંશોધન કરાય ને આ ખનન કરાય। सोमनाथ में मळेला पुरातन बांधकामों पुरावा आश्चर्य में मूकी दे छे। आ पुरातन बांधकामों सोमनाथ की भव्यता अने दिव्यता में वधारो करे अने सोमनाथ में पुरात्वीय मानव वसाहतों नवो अध्याय सामे आवे तेवी सौ कोई आशा सेवी रहा छे। दिनेश सोलंकी, न्यूज 18 गुजराती, गीर सोमनाथ।